26 फरवरी को जैसे ही शहर में खबर फैली कि भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के भीतर जाकर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जिसके बाद गुना में जश्न का माहौल हो गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने जमकर नृत्य किया। सेना को जो खुली छूट दी गई, वो परिणाम देखने को मिले देश की जनता को। सारे देश में जश्न का माहौल है। पहली स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना ने 60 किलोमीटर अंदर घुसकर पुलवामा में शहीद हुए हमारे शहीदों के सम्मान को सच्ची श्रद्धांजलि दी। 400 से 500 की संख्या में आतंकी मारे, आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए, समूचे देश में जश्न का माहौल है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की गुना इकाई ने सभी वरिष्ठ जन, सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ धुन धमाके फटाके चलाए, शहर भर में मिठाइयाँ बांटी।